रोकना है, बीच में भी रोकना है, अनंत में लिया है, फिर इससे परे यहाँ लिया है, फिर यहाँ पे लाएंगे, फिर अगले में इन दोनों के बीच लाएंगे, फिर अगले में यहाँ पे लाएंगे, फिर अगले में इन दोनों के, तो अब कहाँ पे आने वाली तीसरी स्थिति बोलो। अरे इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखते हैं, इधर भी वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और जितना बड़ा बिंब होता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होता है, ये इम्पोर्टेंट है याद रखनी। तो क्या होगा जब बिंब कहाँ पर हो बोलो, हाँ 2F1 पर होगा, ठीक है, खुद 2F1 पर ही होगा, तो इजी बनेगा। कैसे देखो, सपोज दैट ये तो हो गया हमारा क्या उत्तल लेंस, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, ठीक है, ये वक्रता केंद्र, ये F1 देखा गया ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या रखोगे बोलो, वस्तु सर जूता फेंक के मारो, बात कर रहा है ए और बी, ठीक है, तो एक प्रकाश के अंदर फिक्स है, कहां से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और कहां से जाएगी फोकस से, भी सोच रखा है वहीं से जाना मुझे F2 से, क्लियर है। दूसरी प्रकाश की कहीं हैसी लिया फिर किसका मैं बताया, और देखो इस स्थिति को वैसे भी याद रखो कि कहां पे बनेगा 2F2 पे बनेगा, किसमें बनेगा, तो यहां पे मिलाना ध्यान रखो, तो इस टाइप से बता दो कहां पे मिल जाए, ठीक है ना, ये लो मिल गई यहां पर, क्लियर बेटा, यहां पर मिल गया वहां पर, और एक ही साइज मोर बनेगा, वो बी है तो यहाँ लिखो बी डैश, वो ए है तो लिख दो, तो क्या क्या विशेषता बताओ, नंबर एक तो ये बताएगी जैनब पहले बोल भाई, वास्तविक बनाए, और दूसरा उल्टा बनाए, तीसरा कहाँ बनाए 2F2 पे बनाए, चौथी बार छोटा नहीं यहीं पे तो बराबर बनेगा, तब क्या बनाए बराबर, जब बराबर बना होगा तो एम अपने आप पता चल जाएगा कितनी होगी, एम एक कब होता है दोनों बराबर होंगे, प्रतिबिंब बिंब दोनों बराबर होंगे तो कट के एक ही था, और छठी विशेषता क्या करो कि एम कैसा होगा ऋणात्मक या धनात्मक, वास्तविक है ना तो ऋणात्मक, कैसा होगा कितनी विशेषता हो गई। अब आगे चले स्थितियों पर, कौन सी स्थिति चलेगी, ठीक है ना, आ रहा है भेजे में थोड़ा थोड़ा बैठ रहा होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा क्यों बैठा, तू तो पहले पढ़ चुका है, छोटा स्वीम कौन बोल रहा है, अच्छा ईमानदारी से बता दसवीं किस किसने पढ़ा ये चीज, एक दो तूने पढ़ा है, याद है कुछ पढ़ा है, चलो तो तीसरी स्थिति चौथी स्थिति बताओ बताओ फटाफट क्या है, कहाँ पे लाएंगे, हाँ ऐसे बोलते हैं F1 और 2F1 के बीच, जब बिंदु F1 व 2F1 के बीच हो, तो आप देखो पहले छोटा सा था फिर थोड़ा बड़ा हुआ फिर बराबर हुआ अब बड़ा बना, ठीक है ना, क्या लिखेंगे देखो पहले डायग्राम करा लेते हैं इसका, ये हो जाएगा क्या मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा इसका F1, ये हो जाएगा इसका 2F1, दोनों बीच रखते हैं, क्लियर है, एक का है मुख्य अक्ष से समांतर, ये तो कहां से जाएगी फोकस, फोकस से F2 से फिक्स है इसका, और दूसरी ठीक है ना, और ये हो जाएगा बेटा 2F, तो 2F2 से आगे बनेगा ना, 2F2 से बड़ा बनेगा, देखो बड़ा देख गया थोड़ा थोड़ा, ए बी तो ए डैश हो जाएगा, मिल जाएगा बड़ा बन गया ना, तो विशेषता बताएगा ना भाई, खड़ा हो ये क्या नाम है, खड़ा रहे बोल क्या से सर कर दे, वास्तविक है आवासीय है बोलो, सच में बन रहा है ना, तो वास्तविक,
कैसा है सीधा उल्टा? अच्छा चौथी स्थिति कहाँ बना है? तीसरी बोलो। अरे वो जानवर दिख रहा नहीं है तो परे बना है, एक घंटे से बैठा है, कुछ चल रहा नहीं दिमाग तेरा? खाना पीना रगड़े का दो ही काम है तेरे को, यहाँ के बैठने का। खड़ा हो यार, खड़ा हो बिल्कुल, यहाँ आगे पीछे हो गया ये खड़ा खड़ा पड़े, बस आके बैठ जाता है दम देने से, दिमाग नहीं चला बिल्कुल, दिख रहा नहीं तेरे को से परे बना। बोल कतई दिमाग नहीं चला रहा, बस आके बैठ जाता है कुछ नहीं, ना केमिस्ट्री में ना फिजिक्स, बस आके बैठना देखना बस। बोल बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है? बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि बढ़ता तो जा रहा है पहले से ही, पहले बिंदुवत बना फिर थोड़ा सा बड़ा फिर बराबर फिर बढ़ेगा तो बड़ा होगा। टाइम की वैल्यू एक से छोटी बड़ी, बड़ी तो एम ग्रेटर देन वन और एम पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता है वास्तविक के लिए नेगेटिव होता है। अब कौन सी स्थिति होगी बोल? आगे कारखाना है प्रतिबिंब, तुम मन वाले ही बोले कारखाना है, मैं ऐसे जूते मारूंगा तेरे बेबुद्धि के, बढ़िया पहना बढ़िया खा रहा बस आगे बैठ जाता है, दिमाग नहीं लगा बिल्कुल। ऐसा धीरे धीरे स्लो स्लो चल रहा है, सब पता आगे घिसकते जा रहे, क्या रखेंगे अब? F1 पर। पांचवी स्थिति जब बिंब कहां पर हो? F1 पर हो। हाँ अब देख ले ध्यान से कैसे बना रहे, ये क्या है? मास्क नीचे कर पड़े। अब बोल क्या है? हाँ ये क्या है? फोकस नहीं मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये भी फोकस नहीं है, ये प्रकाशित केंद्र है, ये है F1 और ये है 2F1 जिसको हम C1 कहते हैं। अब के यहां रहा, यहां पर रख रहे हैं हम लोग ऐसे, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, ये इसका मुंह है, B इसके पैर है, एक प्रकाशित केंद्र कहां से जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से जाएगी? फिक्सर का फोकस से जाना है F2 से ऐसे चली गई। बोलो दूसरी प्रकाश किरण यहां से लाएंगे, अब देखो जब अनंत पे थी तो फोकस पे बना था, याद है शुरुआत का? अनंत पे थी तो कहाँ बना था? अब फोकस पे लिया है तो कहाँ बनना चाहिए? अनंत। और देखो अनंत की पहचान भी आप लोग ढंग से स्केल से बनाओगे ना, ये दो प्रकाश की वजह से समांतर आएगी, और समांतर कहाँ मिलेंगी? अनंत पे जाके। कहाँ पर? अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा, तो क्या होगी प्रतिबिंब विशेषता? बोलो नंबर एक वास्तविक है, किरण जा रही है अनंत पे जाके मिल लेंगी तो वास्तविक, वास्तविक कैसे होते हैं? उल्टे। और तीसरी अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और एम की वैल्यू बोलो, एक से बहुत बड़ी है ना, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, तो m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब बहुत बड़ा, दो तीन बार ऐसे निशान लगा देते हैं इसका मतलब है वो वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। और m कैसे बनेगा?
ऋणात्मक वास्तविक है ना, कैसे बनेगा ऋणात्मक नेगेटिव, कोई बात नहीं आ गया। अब अगला बोलते हैं ना अगली स्थिति, हाँ बोल कारक को अपने कितनी स्थिति होगी अपनी पांच, लास्ट रहा है कहां पर यही बोलेगा तुम सारे चुप रहोगे, बोल कारक ना बोलो बोलो भाई साहब कारक ना बोलिए। ऐसी जिंदगी अच्छी लगती तेरे को, यहां के बैठना बस दिमाग नहीं चलाना। ये पांच बार पढ़ा, देख पांचवी बार हो गया और हमें खूब दिख रहा है वो आगे आते आ रहा है, अब तो पता नहीं है वो पहले यहां पे था, अगले स्थिति में मैं यहीं पे ले आया, अगली बार उससे आगे कहां आएगा फिर कहां पर एफ को इधर कांच में अंदर घुसा के एफ में रख दिया पहले, अब थोड़ा और आग खिसका दे मेरे पास भाई, थोड़ा और आग खिसका दे, इन दोनों की ख्याल अंदर बोलो। छठी स्थिति क्या है, जब बिंब कहां पर हो एफ वन में प्रकाशित केंद्र के बीच में हो, ठीक है ना, थोड़ा और आगे लिया तो क्या बनेगा देखो, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F1, ठीक है ना, यहाँ पर रख दो, रख दिया, ये क्या हो जाएगा बता देना कोई, द्वारा, वेरी गुड, और ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर है। एक प्रकाश किरण कहाँ से लेनी है, प्रकाश के समांतर ले लो, ले ली, कैसे जाएगी बोलो ना, फोकस से एफ गई, एक प्रकाश किरण कहां से ले लो प्रकाशित केंद्र से, ये प्रकाशित केंद्र से, देखो अब इनकी स्थिति देखो दोनों क्या हो रही है, फैलती जा रही है, डाइवर्जिंग नेचर है, फैलने वाला नेचर है, दिख रहा है ना, इधर जा रही है इधर जा रही है, यहाँ पे इतनी सी दूरी इनके बीच में देखो दूरी बढ़ती जा रही है, क्या ये अनंत में भी मिल सकती है, हमेशा क्या होगा दूरी बढ़ती जाएगी, क्लियर है, तो क्या करो वास्तविक तो नहीं बनेगा, वास्तविक के लिए ये रेस्पॉन्सिबल थी, ये तो मिल ही नहीं रही, तो वास्तविक तो क्या करो पीछे की तरफ बढ़ाओ, फिर इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक है पहले से पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक है ना, तो दोनों ने यहाँ पे मिल दिए, नहीं अब ऐसे नहीं बताना मिली कहां, ठीक है ना, पहले ही बन गया, जिधर बिंब था उधर ही प्रतिबिंब बन गया, है ना, ठीक है ना, तो क्या विशेषता हुई नंबर एक सबसे पहले वास्तविक आभासी, बोल भाई आभासी, वास्तविक तो मिली नहीं ना, वो तो डाइवर्स नेचर की हो गई, वो तो मिलने का काम ही नहीं होता, तो पहली बात तो कैसा बना, क्या इसमें और कभी भी आभासी बना था क्या, नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे अलग नहीं बिल्कुल डिफरेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आभासी, नंबर दूसरा आभासी सीधे बनते हैं तो सीधा, और कहां पर बना है उधर ही बना है, इधर बिंब ऐसे लिखना है, बिंब की तरफ ही, बिंब की और ही बना है, और बड़ा बना है, चौथी बात क्या है बड़ा बना है, अच्छा एम क्या बहुत ज्यादा बड़ा बना है क्या, नहीं थोड़ा सा बड़ा बना है, इसका मतलब एम से बड़ा है एक से, और छठी स्थिति अब एम धनात्मक होगा, क्यों कैसे बनाए और आभासी में धनात्मक होगा, तो एम कैसे बनाए धनात्मक, अब ये स्थिति खास तौर से आ सकती है, ठीक है, तो ये होगी छह की छह स्थिति, बोलो अच्छा इन बच्चों का चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और पढ़ लो बस पांच दस मिनट, ठीक है, बैठ जा गुरु जी बैठ जा, चालू रख दिमाग है, अरे बजे हाँ आप उतरे थोड़ा सा मुझे आप बनाई जाओ।
अगर उनकी इच्छा हो तो बाद में ठीक है। तो अब किससे पढ़ेंगे बोलो, अवतल से। और अवतल का नाम ये बता रहे चश्मे वाला खड़ा, अवतल का दूसरा नाम क्या है? क्या है? अभिसारी या अपसारी? बैठ जा। अवतल का दूसरा नाम है अपसारी। इम्पोर्टेंट चीज क्या है? अवतल मीन्स अपसारी। अवतल मीन्स नहीं, यहाँ पर अवतल लेंस मीन्स अपसारी। अब है अपसारी ना बेटा, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। इसमें सिर्फ दो स्थिति है बेटा, है ना? कितनी स्थिति है? दो। दिमाग चालू रखना, किसी एक को खड़ा करूंगा दोबारा। पहली वही अनंत पर हो, जब बिंब कहां पर हो? अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पे होगा तो देखो ध्यान से ऐसे ही बनाना, नहीं तो पक्का है ना? ये क्या है उत्तर? अच्छा, और ये क्या है? इसे बोलो प्रकाश के, प्रकाश के केंद्र। और इसको मिलाते हुए रेखा बनानी है, क्या हुई? क्लियर। और इसका यहाँ पर मैं मान लू सी वन और इधर मान लू सी टू, और इनको मिला दू तो मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गई। अच्छा, पहली स्थिति तो बहुत दूर हो, मतलब अनंत, अनंत के लिए तो दो केंद्र लिया, अनंत से डॉट डॉट करके चालू कर दो, ठीक है ना? स्केल से बनाना, सीधा बने बिल्कुल। क्लियर है बेटा? अच्छा, ये क्या करेंगी? अपसरण, डाइवर्जिंग, फैलाएंगी। तो ये भाई साहब तो नहीं मिला है, ये लो। और ये लो। क्या वास्तविक बनेगा? नहीं, पहले यहाँ पे पूरा बंडा फोड़ कर दिया, नहीं मिलेगा ना? वो इधर जा रही है, वो नहीं मिलेगा। क्या करो? पिचित्र बनाओ, आवासीय रूप से ना, अपरेंटली पिचित्र बनाए। क्लियर है? हाँ। और पिचित्र भी अनंत समांतर आ रहे तो कहां पे मिलनी चाहिए? फोकस पर। क्लियर है ना? तो कहां पे बनेगा? एफ वन पर, फोकस पर। लिखू? चलो, ये बड़ा होगा आपकी बात। साहिल बड़ा हो गई, खड़ा पहली तो क्या है? आवासी। दूसरी बता, सीधा हो। और आवासी की फिक्स है, दिख तो नहीं रहा कैसे बना, तो सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा। एक स्थिति बना, फोकस में बनेगा। वेरी गुड, ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिंदु और बिंदुवत बनेगा, बिंदु और माची एम बहुत छोटा होगा, क्योंकि बिंदुवत बनाया ना, बहुत छोटा होगा। और छठी चीज कैसा बनना चाहिए? ऋणात्मक या धनात्मक, क्योंकि आभासी है। एम कैसा होगा? धनात्मक, पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक है, हो गया। बैठ जाओ। दूसरी स्थिति आप देखो, दूसरी स्थिति कहीं पर भी ले आएंगे इधर, है ना? कोई फिक्स नहीं कि कहां पे रखना, कहीं पे भी रख दो। तो दूसरी स्थिति है, कोई परिमित दूरी पर, कोई परिमित दूरी पर, दूरी कोई परिमित दूरी। अब किताब में क्या बोल रखा है? इसको अनंत और वक्रता लेंस प्रकाशित केंद्र के बीच। हाँ, तो हो गया ना? किताब में क्या बोल रखा है? अनंत और प्रकाशित केंद्र के बीच, कहीं भी रख दो सकता। अनंत बहुत दूर प्रकाशित केंद्र, उसके अंदर बीच में कहीं रख दो। चलो रखते। हाँ भाई, दानिश मुस्कुरा रहा, खड़ा हो जा, खड़ा।
ये क्या है बोल? प्रकाशिक यंत्र। क्वेश्चन एक दो, ये क्या है? द्वारक। द्वारक। ये सी वन दे दो, ये एफ वन दे दो, ये एफ टू दे दो, और ये एफ टू दे दो, एफ टू एफ वन दे दो। कहां पर रखना? अनंत देरा और ऑप्टिकल सेंटर है तो कहीं भी रखा जाती थी, ठीक है ना? बिना कुछ लिखे, कुछ मत लिखो, ठीक है? लिख दिया। अब बताओ कहां रखना है, वो कैसे बनेगा बोलो। समांतर एक प्रकार लिया है, मुखर से समांतर, वेरी गुड। ये तो क्या, कहां से जाएगी? ऐसे जाएगी ना, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहां से मिलेगी? फोकस। ये हो जाएगा क्लियर है क्या? थोड़ा सीधी बना लो, बनाना आप लोगों ने। बैठ जाते अब दसवीं कड़ा हाँ भाई कड़ा आवेश बोल भाई, दूसरी प्रकाश की कहां से बिठानी चाहिए? मैं कहां से बिठानी, दूसरी प्रकाश की किरण कहां से लेनी चाहिए, कहां से बिठानी है हमको? हाँ भाई आसान, कहां से बिठानी बेटा? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि घर पे रहना ऑप्टिकल सेंटर से बजा दिए, बजा दे ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर है? देखो दोनों को देखो, ये इधर गई ये इधर गई, मिलने का चांस है यहाँ पर भी वास्तविक, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएगी तीन पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ, दोनों कहाँ काट रहे पीछे वाली? यहाँ पे बना है थोड़ा सा बड़ा बदल, थोड़ा सा बड़ा बदल, उससे तो छोटा ही है, ठीक है ना? तो विशेषता बताओ, आभासी, सीधा, सीधा और थोड़ा सा बड़ा, लेकिन छोटा ही वैसे तो छोटा, और चौथी ऐसे बोल तू, जिधर बिंब है उधर ही बना है, बिंब की तरफ ही, बिंब की तरफ, और एम कैसा होगा? एक से थोड़ा सा, और पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि आभासी बना है, सीधा बना तो कैसा होगा? ये हो गई हमारी तर्क लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। चलो थोड़ा सा और पढ़ लो, ये खत्म हो जाएगा, बस इनका इनका क्या चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तुम भी ठीक है क्या?